इंदौर से अगले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मैडम। हकीम साहब सलाम वालेकुम। जय हिंद सर। कर्नल साहब, अक्सर बात होती है आपसे। ना मेरी तो इच्छा होती कि रूबरू बात करूं कभी। जी कभी कभी दिल्ली तशरीफ लाइए कर्नल साहब। और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसा है परिवार? बस आपके दुआ है और अल्लाह का करम है। मेरे बताइए। एक एक शख्स जो है जिनका ऑपरेशन हुआ था 2017 में, तो उनको गिठान थी कैंसर की, एक कैंसर की गिठान थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी कैंसर की थी, चौथी नहीं थी, और स्किन का कैंसर था उनको, ठीक है। और इलाज मुकम्मल हो गया। आने वाले वक्त में कभी ऐसा नहीं आया तो उसके लिए कोई एहतियात बरतने के लिए कोई दवा नुस्खा बता दें आप। हाँ देखिए, आप सेवा भी करते हैं, दूसरे शख्स के लिए फोन कर रहे हैं और तकलीफ उठा रहे हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा देखिए, एनिमल फैट से बचें जितना भी हो सके, और जैतून का तेल इस्तेमाल किया करें ये साहब, अगर इनके हालात हैं ऐसे कि जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया करें। ये इसमें वो शक्ति है कि कैंसर से लड़ने की शक्ति। और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, ये चुटकी है कर्नल साहब, और सुबह शाम घर की पिसी हुई हल्दी खाया करें, ये एहतियात है। और मुमकिन हो तो जैतून का सिरका 2 चम्मच रोज़ पिया करें, जैतून का सिरका। जैतून का ऑयल अलग बात है, जैतून का सिरका अलग बात है। रोज़ाना 2 चम्मच पानी मिला के ज़रूर पिया करें। मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा इस रोग से सुरक्षित रह सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी गोंडा से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम जी। डॉक्टर नमस्कार, सवाल। साहब नमस्कार। आधा सवाल वर्जना ऐसा है कि हमारे कमर से दर्द रहता है और दोनों पैर में, एक पैर में था थे कि दोनों पैर में हो गया। क्या उम्र है, अब गैस बनता है पेट में, लाइटरिंग आती नहीं है, आती है कब्बो कब्बो। एज क्या है आपकी, हाँ जी उम्र क्या है? उमर जी 45 साल है। कब से रोग है आपको ये दोनों? इस साहब काफी दिन होएगा, करीब करीब 10-10 साल होएगा। हाँ देखिए, यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ तमाम व्यूवर्स को, कि 10 साल आपने एक ऐसा रोग का इलाज किया जिसकी कोई दवा आपने नहीं छोड़ी, जिसने जो बता दिया वो किया। और एक दवा जो रॉ मटेरियल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, वो आप असली ले लें। बस आपकी जिम्मेदारी यह है कि असली ले लें, असली मिल गई तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ये जो आपके दर्द होता है, इसका देखिए गोंद स्याह आता है, एक गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है लेकिन काला गोंद कहते हैं। इसको हम अगर 100-200 ग्राम आपको मिल जाए असली, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के पश्चात पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। संयम रखना, 10 साल नहीं, मुझे आपके 4-5 महीने चाहिए सिर्फ। वो भी 1 महीने में इतना फायदा होगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा। जो शिद्दत है मर्ज की, बहुत ज़्यादा जो परेशान कर देता है, वो परेशानी ख़त्म होगी। दर्द हो तो दर्द की दवा लेना, ये मर्ज की दवा है। और ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं सुबह शाम, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, ठीक है। पेट के रोग के लिए बहुत आसान है इलाज, जैतून का नमक, नमक जैतून, जैतून का नमक, या एस्टेक जैतून भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कहते हैं, आधा ग्राम पानी में डाल के मिला के, गर्म पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। आपको उसी दिन उसी समय से फ़ायदा शुरू हो जाता है। लेकिन ये 100-200 ग्राम खरीद लें असली, और ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। दिल्ली से रामपाल जी, स्वागत है आपका। मेरा अस्थमा है और एक
गैस बनती है। एज क्या है आपकी? एज मेरी है जी 65 साल। कितनी उम्र? 65 साल। 65 साल। ये डायबिटीज का रोग तो नहीं है आपको? मेरा अस्थमा है जी और पेट साफ गैस बनती है। नहीं, आपको मधुमेह का रोग तो नहीं है? मधुमेह तो नहीं है आपको? शुगर का रोग तो नहीं है? डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अस्थमा के लिए या तो आप उन्नाब लिसोड़ा अलसी और 100 ग्राम लें ये, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिला लें जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। इसको पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया करें और गरम पानी पिया करें जितना भी हो सके, 5 बार पीना ज़रूरी है। ये आपके अस्थमे के लिए एक इलाज है, ठीक है? ये नहीं समझते, नहीं बना सकते, झंझट लगता है तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच खाया करें, 5-6 महीने खाना पड़ेगा, आपको रोग का निवारण मुमकिन है। गैस बनती है तो 5 गिलास पानी रोज़ पिएं या उससे ज़्यादा, 1 घंटा पैदल चलें और सौंफ खाया करें हर खाने के बाद, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। किशोर जी रुड़की से स्वागत है आपका। हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब। हकीम साहब, वैसे तो हमारी जिंदगी आप ही के वजह से चल रही है पिछले 8-7 सालों से, लेकिन एक प्रश्न आ गया है किंग साहब की। मेरी जो बहन का लड़का है करीब 18 वर्ष का है, उसको डॉक्टर ने बताया जी पहले किडनी में थी पथरी और अमाशय में पहुंच चुकी है। देखिए, किडनी की पथरी अमाशय में पहुंच नहीं सकती है, वो तो पेशाब के रास्ते में ही रहेगी, ये कभी वापस नहीं आती बल्कि आगे जाती है। या तो पित्त की पथरी अमाशय में हो जा सकती है, तो पूरी जाँच कर लें और एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, वो दें बच्चे को। और भगवान की वजह से मेरी भी ज़िंदगी और आपकी भी, किसी को इतना बड़ा नहीं बनाते कि उसमें घमंड आ जाए। मैं आपकी तरह आदमी हूँ, मामूली आदमी हूँ, और मुझे कहीं अगर घमंड आ गया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। किसी में भी घमंड नहीं आना चाहिए। मेरा मशवरा आपको होता है ईमानदारी से, अब आपको फ़ायदा हो जाए तो नाम मेरा होता है, लेकिन फ़ायदा देने वाला तो भगवान होता है। और किसी को फ़ायदा नहीं हो तो मेरा कोई उसमें दखल नहीं, अब आपका और भगवान का मामला है। मैंने आपको मशवरा दिया, आपको फ़ायदा देगा तो भगवान, अब उसका और आपका मामला है। उसको जितना आप प्रसन्न करेंगे इतना वो आपको फ़ायदा देगा। एक नुस्खा और बता रहा हूँ, वो लीजिए। जैतून का नमक आता है, देखने में सफ़ेद और नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, 0.5 ग्राम बच्चे को पानी में मिलाकर और 1 नींबू निचोड़कर रोज़ाना पिलाएं, 1 बार या 2 बार, आप देखेंगे उस पथरी का भी निकलना मुमकिन है। अगले कॉलर किशन चंद जी गाजियाबाद से स्वागत है आपका। हेलो, मैं किशन चंद बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी बताइए, सवाल करिए। मैडम, मेरे जो मुंह में है जीभ के ऊपर दोनों साइड में छाले हैं। अच्छा, कब से हैं ये? काफी दिनों से है मेरे को। अच्छा, मुंह में मेरे को रात को जो है, रात को दिन में भी हमेशा मैल आता रहता है जी, और गंदगी इतनी आती है कि फिर मुझे मुंह साफ करना पड़ता है, और जब भी नींद आती है अदरवाइज तो नींद नहीं आती फिर मुझे। हाँ देखिए, एक इलाज कर लें आप, और ये करेंगे आप तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। एक आता है कलौंजी, जो आपके किचन में होती है ना कलौंजी, ये कलौंजी का एक रसायन आता है जिसे नमक कलौंजी भी कहते हैं या एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का रसायन समझ लीजिए। और ये 0.5 ग्राम रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें 1 बार। ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो इसके ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेहा है जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है नेहा जी। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार।
नमस्ते डॉक्टर। आदाब। हाँ डॉक्टर, मैं तो एक बार मेरा कोई धन्यवाद देना चाह रही हूँ, जो आप कहते हैं उनका सिलसिले से जो पहले नींद नहीं आती थी, बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे उससे। भाई वाह, बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद। पहले मैं 2:30-3 बजे तक जगती थी, अब मैं आराम से 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह आराम से उठती हूँ। और एक मिनट, मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है और एक एड़ी में दर्द है मेरे। ठीक है ठीक है, पहले तो आपको बहुत स्वागत कि आपने बताया, फीडबैक कॉल की, हमारी हौसला अफजाई की। और देखिए, आपकी हौसला अफजाई ही हमें मिलती है, जिससे हम हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो कोई भी अगर किसी को फ़ायदा हो, अगर हमें फ़ोन करके बताएं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं कम होता हूँ, ये शैलजा त्यागी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो देखिए, आप गौंद स्याह ले लीजिए। गौंद स्याह आपने लिखा हुआ तो होगा, सारी फीमेल तो मेरी डायरी बनाती हैं, उसमें नुस्खे लिखती हैं, ख़ुद भी फ़ायदा उठाती हैं और दूसरों को पहुंचाती हैं। गौंद स्याह आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें, और 100 ग्राम भी मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले आपका रोग ख़त्म हो सकता है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें। ये वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं हो तो लड़ के रखवाइए, अपने पति से लड़िए कि ऐसा होना चाहिए, और इससे पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन नहीं है। हमारे साथ सुनीता जी हैं मिर्ज़ापुर से, स्वागत है आपका। मैं प्रणाम मैम जी, प्रणाम, बताइए सवाल करिए। ऐसा है मैम जी, मैंने वहाँ से काला गोद और ये गोद मुरिंगा मंगवाया था। तो गोद मुरिंगा तो लगभग मान लीजिए 20 दिन हो गए खाते, थोड़ा आराम है। ठीक है। और ये काला गोद 4-5 दिन से मैं खा रही हूँ, तो मतलब जैसे मुझे पहले से ही थोड़ा ये पानी की समस्या थी, सफेद पानी की, जैसे कि पीरियड जब आता है मैम तो उसके पहले थोड़ा सा आता है, उसके बाद जब पीरियड थोड़ा 2-3 दिन रहता है ब्लड वाला, तो उसके बाद ये पानी वाली समस्या 2-4 दिन रहती थी। हाँ देखिए, अभी आपने 5 दिन किए इसका इलाज किया है, और ये 5 दिन में तो फायदा शुरू करता है, ना नुकसान करता है ना फायदा। अच्छा, इससे क्योंकि ये गोंद है तो गौंद उस वाइट डिस्चार्ज को गाढ़ा करता है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 1 महीने का सब्र करें कम से कम, या उससे ज़्यादा का, तो आपके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ राम सिंह हैं पंचकुला से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हेलो, बताइए सवाल करिए। हमारे पास लड़की है, अपने पास पोती, उसके सिते में पथरी है। पित्ते में पथरी है, कितनी आयु है उसकी? पित्ते में पथरी आई है, उसका अल्ट्रासाउंड कराया ना, पित्ते में पथरी है। आयु कितनी है राम सिंह जी? 14-15 साल। तो देखिए, पित्ते में पथरी 2-3 mm की अगर है, समझ लें आप मेरी बात, अगर 2-3 mm की है तो दवा से निकल सकती है, और अगर उससे बड़ी है तो ऑपरेशन होना तकरीबन तय होता है। पित्त की पथरी इससे बड़ी नहीं निकल सकती, अगर इससे 2-3 mm से छोटी है तो आप इन्हें देखिए दे सकते हैं जैतून का नमक 0.5 ग्राम और 1 लीम्बू उसमें निचोड़ के रोज़ाना पिलाएं एक बार, और 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पिलाया करें, और पानी तो जितना पी सके अच्छा है। अगर 3 mm से कम है तो उनकी पथरी निकलना मुमकिन है, नहीं तो आप उसकी जांच करा के रखें, और कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि उसको ऑपरेट कर दिया जाए। चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए मास्टर, एक मिनट होल्ड करिए जी, बोलिए। हेलो हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी आदा। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, पंजाब से। ठीक है। मेरे सिर में ना बाल चढ़ा हो गया मैडम, मुफीन साहब से पूछ के बताइए कुछ। बाल चढ़ हो गया? हाँ जी, पूरे गोल गोल पीछे से, गर्दन से पीछे बिल्कुल बाल एकदम से खत्म हो गए, गोल 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 सीधा लग गया। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये जो सरसों आती है ना, जिसका तेल हम यूज करते हैं, सरसों को ऐसे कूट लें इमाम दस्ते में खूब बारीक सी, या उसमें ग्राइंडर में घुमा दें तो वो बारीक सी हो जाएगी, उसमें 1 चम्मच लें और उसमें 2-4 कतरे पानी ऐसे मिलाएं,
गाढ़ा सा होगा, वो लेप आप उस जगह लगाया करें रोज़ाना, एक दिन छोड़ के, सॉरी एक दिन छोड़ के लगाया करें। और ये जो है नारियल पानी पिया करें, और बहुत ही तेज़ से अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो इसमें एक नारियल पानी रोज़ लें, उसमें सफ़ेद गौंद मोरिंगा, याद रखें सफ़ेद वाला लेना है, सफ़ेद गौंद मोरिंगा आधा ग्राम डाल के रोज़ पी लिया करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है।